हाय एवरीवन, सो टिल लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था फिजिक्स का। आज मैं वापस से वीडियो 9th स्टैंडर्ड के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है वापस से। आप लोग फिजिक्स में भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, अच्छे से फिजिक्स के भी होमवर्क भी कई लोगों को मैंने करते हुए देखा, और कुछ लोग बाहर के स्टूडेंट ने भी अप्रोच किया, बाहर के स्टूडेंट ने भी मुझे मैसेज किया, अच्छा लगा। तो इसी तरह देखते रहिए और मैं और भी धीरे धीरे अच्छी अच्छी और भी वीडियोस डालूंगा, लाइक अदर देन रेगुलर स्टडीज़ मैं और भी चीज़ों की वीडियोस डालूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको टिल लास्ट डे बताया था कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, मैं 9th का फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, और जिसमें मैंने बताया था आपको लीनियर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको समझाया था। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ, या थोड़ा सा बस डिस्कस करूँगा मैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ओके, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी देखो ये क्या होता है। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था आपको कि कोई भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वो सिर्फ जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अमाउंट, मीन्स किसी चीज़ की अमाउंट, मीन्स जैसे 5 kg चीनी है तो 5 kg अमाउंट हो गया। तो कोई भी चीज़ जिसमें सिर्फ अमाउंट हो, कुछ डायरेक्शन ना हो, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने चीनी का ही एग्जांपल लिया, तो वो क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया, जिसमें सिर्फ क्या हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इसी चीज़ को मैग्नीट्यूड बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया? इतना दूर गए, किस दिशा में गए, वो मैटर नहीं कर रहा है, तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। स्पीड हो गया, इतने स्पीड से गया, किधर गया वो मैटर नहीं कर रहा है, तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको लिखता हूँ, एनी क्वांटिटी या एनी फिजिकल क्वांटिटी एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ठीक है, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, है ना, इज नोन एट स्केलर क्वांटिटी। अब ये चीज़ आपको मैंने समझाया, अभी स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। 5 किलोमीटर गया मैं, किधर गया वो मैटर नहीं करता है, तो 5 किलोमीटर मीन्स क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। वैसे ही स्पीड, मैंने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो वो भी क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। किधर गया वो पता नहीं है। टाइम क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। डेंसिटी क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो इसके कुछ एग्जांपल भी मैं लिख देता हूँ। चार्ज, चार्ज भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। या फिर डिस्टेंस, और भी क्या, स्पीड, अभी ये तीनों लिख ही दिए हैं, तो साथ में टाइम भी लिख देता हूँ, और क्या हो सकता है, डेंसिटी, और डेंसिटी भी, चलो डेंसिटी आपको पता होगा क्या होता है, या फिर बाद में ये भी देखेंगे, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, अब देखो ये क्या होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है? जस्ट उसका मीन्स, आप जो भी स्केलर क्वांटिटी हुआ उसमें डायरेक्शन भी ऐड कर दो, है ना, और डायरेक्शन भी ऐड कर दो, और साथ में एक और छोटी सी बात होती है, अगर बहुत ही डीप में जाए, जैसे जनरली आप देखोगे किसी नॉर्मल से बुक में या फिर नॉर्मल स्टडीज़ में आपको ये बताया जाएगा कि अगर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो जिसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, बट फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है।
क्योंकि एक थोड़ा सा और भी ऐड करना पड़ता है, बहुत मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये भी बोला जाता है कि जो वेक्टर के कुछ और एलजबरा होते हैं, है ना, कुछ और वेक्टर के एलजबरा होते हैं, उसे भी सेटिस्फाई करे अगर, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, कुछ वेक्टर के एलजबराज होते हैं, वेक्टर के रूल्स होते हैं, कुछ उसे भी सेटिस्फाई करे तो उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसका भी चलो मैं लिख देता हूँ, दी क्वांटिटी विच कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एंड ऑल्सो कैन बी एडेड, यही बात की मैं बात करता था, और सब्ट्रैक्टेड बाय वेक्टर एलजेब्रा, बाय वेक्टर एलजेब्रा इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, है कि नहीं, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको ये समझा होगा इसका, मैं आपको एग्जांपल चाहिए तो वही चीज़ जो बचपन में आपने पढ़ा होगा, अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसको हिंदी में इसको अदिश राशि बोलते हैं और इसको सदिश राशि बोलते हैं, ओके, अदिश और सदिश ये बोला जाता है। अब अगर आपको पूछा जाए कि वेक्टर क्वांटिटी का आप एग्जांपल बताओ, तो अगर डिस्टेंस था स्केलर क्वांटिटी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। स्पीड था स्केलर क्वांटिटी तो वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब ये सब का डेफिनेशन भी मैं वापस से वैसे बता दूंगा, जनरली छोटी कक्षा में ये सब थोड़ा सा पढ़ते हैं, बट मैं बता दूंगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कभी बता पाओगे कि इतना फोर्स लगाया, किस तरफ लगाया, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब चीज़ें क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इतना हो गया। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे मीन्स ये हो गया इसका डायरेक्शन, इसको हेड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, पूंछ होता है ना, और ये सर, तो हेड और टेल बोलते हैं। ऐसे एक एरो मार्क दे के हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब आपको ऐसे कई टाइप की क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राइट डाउन टू डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या बोलोगे आप, ऐसे एक टेबल बनाओगे। अब मैं उतना टेबल बनाना नहीं चाहता, यहाँ पे आप खुद समझदार हो, उसमें लिखोगे एक तरफ स्केलर लिखोगे, दूसरी तरफ वेक्टर लिखोगे, स्केलर में लिखोगे दे हैव मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर में लिखोगे दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सेकेंड आप स्केलर में लिख सकते हो दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, है ना, एरिथमेटिकली, लाइक 3 kg + 5 kg = 8 kg, है ना, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी को मस्त ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे कभी ऐड नहीं कर पाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, कि उस कुछ वेक्टर एडिशन का रूल होता है, उसको फॉलो करके ही उनको ऐड कर सकते हैं, है ना, उनको फॉलो करके उनको ऐड किया जाता है। तो वेक्टर के कुछ रूल्स होते हैं जो देखेंगे हम लोग आगे। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब मैं एक एक करके थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले बात करें डिस्टेंस की, तो एक्चुअली में डिस्टेंस का अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे, कि इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। सिंपल सी बात है, मीन्स कोई एक मूविंग पार्टिकल है, वो पूरा जिधर जिधर भी जा रहा है, उस पूरे पाथ का उसका लेंथ आप अगर देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो चलो मैं थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख ही देता हूँ जल्दी से। तो अब मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की। देखो इसमें डेफिनेशन थोड़े से लिखने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, और आप भी इसको नोट्स में अच्छे से लिखो। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है, कवर्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल। और साथ में ये भी लिख सकते हैं, इट इज
अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब बात सवाल उठता है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप सबको पता है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। वैसे यूनिट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में से मेज़र किया जाता है, जैसे कि इसको किलोमीटर में करते हैं, इसको माइल्स में करते हैं, है ना। अपने अगर देसी भाषा में देखें तो इतना कोस दूर है, कोस में करते हैं। बहुत सारे दूसरे होते हैं इसको मेज़र करने के डिस्टेंस को। तो बट जनरली अगर एसआई यूनिट पूछा जाए तो क्या बोलोगे, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, दूसरी चीज़, अब मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब वही बात हो गई। डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया कि ये तो एक सदिश राशि है, मतलब इसमें इस कुछ डायरेक्शन होगा। तो ये बोलेंगे कि किसी भी, जैसे मैंने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक गया, किधर भी बीच में घूमते रहा, घूम घूम के जाने के बाद वहाँ पे पहुँचा, तो पूरा जो हम लोगों का लेंथ रहा पूरे पाथ का, उसको डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन वो पॉइंट, सपोज आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक चलना स्टार्ट किया, आपकी मर्जी, आप ऐसे घूम के जा रहे हो, टाइम बहुत सारा है आपके पास, आप ऐसे घूम के गए, तो ये पूरा ऐसे, ये पूरा जो पाथ हुआ, ये पूरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन वह डिस्प्लेसमेंट ये नहीं हुआ, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दोनों के बीच, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कि मैं बोलूंगा कि बात ये होगी कि बी ए से किधर है, तो बी ए से किधर है, इधर है, तो सदिश राशि हो गई ना, डायरेक्शन भी आ गया कुछ, समझे इस चीज़ को आप ध्यान से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर इसका आपको डेफिनेशन लिखना है तो मैं लिखूंगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल। और अगर मैंने डिस्टेंस में लिखा है कि इट इज़ अ, उधर क्या लिखा था, स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और साथ में और भी ऐड कर सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ दिस इज आल्सो मीटर, ये तो पता ही है। चलो लिख देता हूँ, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते। अब एक सवाल मेरे से आता है मन में कि कोई बोलेगा कि सर मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे घूमते रहा घूमते रहा घूमते रहा, जैसे घर से चल के घर पे ही आ गए, वापस यहीं आ गए, ऐसे चला ए तक ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, आप बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे यहाँ पे क्या, जीरो। बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्टेंस बहुत सारा हुआ, डिस्टेंस बहुत सारा हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ओके, आप सुबह अपने बेड से उठते हो और पूरा दिन भर घूम के वापस बेड पे ही आके सोते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट फाइनल वहां से वहां तक क्या हुआ, जीरो। कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस बहुत सारा हो गया, डिस्टेंस बहुत सारा हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब कुछ और भी बातें मैं आपको बताता हूँ। अब ये समझो कि अगर मैं बोलूँ, आगे ग्राफ जब मैं बताऊंगा तो ग्राफ में आपको ऐसे कुछ बातें समझनी है कि जैसे ये होता है, यहाँ पे ग्राफ में अगर कभी भी ओरिजिन से राइट की तरफ जाएगा कोई पार्टिकल, तो बोलेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और ओरिजिन से लेफ्ट की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो आगे और बढ़ते हैं। बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस बताओ दोनों में क्या है। तो मुझे लगता है कि मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअल ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन,
ये डिस्टेंस होता है इन एनी डायरेक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ अ बॉडी और इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द फाइनल पोजिशन. ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं. तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हो गया. और भी लिख सकते हो, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज, ये एक अच्छा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज. मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस डिक्रीज होने लगा. आप बोलोगे कि मैं 10 किलोमीटर गया उसके बाद फिर 4 किलोमीटर मतलब चेंज हो गया वो, नहीं ना, उसके बाद 4 किलोमीटर और जाओगे तो टोटल 14 किलोमीटर चले गए. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से यहाँ तक सपोज 10 किलोमीटर गया और यहाँ से यहाँ तक वापस 4 किलोमीटर है, यहाँ से उल्टा फिर आ गए 4 किलोमीटर. ठीक है, तो बताओ डिस्टेंस तो ऐड ही होगा ना, डिस्टेंस तो 14 किलोमीटर हो गया, वही डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 6 किलोमीटर हो गया. यहाँ से यहाँ तक अगर आप ए से बी बी तक गए तो वो डिस्टेंस 14 हुआ बट डिस्प्लेसमेंट 6 ही हुआ. ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा. और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, अब मैंने आपको भी ये पॉइंट बताया कि इधर जाएंगे अगर तो पॉजिटिव होंगे ओरिजिन से और इधर जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो सवाल ये उठता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला कि मैं इधर से चलना, इधर से इधर जा रहा हूँ, तो क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा? बिल्कुल, वैसे भी बोला गया था कि उसका कुछ डायरेक्शन होता है. तो आगे से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को डायरेक्शन ही अज्यूम करेंगे. इससे इधर को क्या अज्यूम करेंगे, डायरेक्शन पॉजिटिव. इससे इधर को क्या अज्यूम करेंगे, नेगेटिव. इस चीज़ को समझो. तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है. ये सब छोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ तो जो आपको समझना है. जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ सकता हूँ कि क्वेश्चन है एक, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर. ठीक है, फिगर ये है, चलो फिगर मैं बनाऊंगा उससे पहले लिख देता हूँ. और बॉडी रिट्रेस समझते हो ना, रिट्रेसेस द पाथ आफ्टर सी देन रीच्ड या रीचेस टू डी देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच पाथ. अब देखो डायग्राम क्या है, डायग्राम ऐसा है कि ए से स्टार्ट करता है, तो ये पॉइंट ए है, ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, फिर बी जाके वापस सी तक गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है. सी से उसने क्या किया, रिट्रेस किया, रिट्रेस किया मतलब वापस आए सी से, ऐसे जा रहा था पहले, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहाँ से, ये ऐसा नहीं कि इधर आया, नहीं वो नहीं, ये बस मैं दिखा रहा हूँ यहीं से वापस चला गया. ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से फिर वापस गया. उसको चलो डॉटेड फॉर्म में दिखाता हूँ. ऐसे गया, ठीक है, फिर वापस आया, फिर वापस बी पॉइंट पे आया, ओके, ऐसे बी पॉइंट पे चला गया वापस, और बी से चल के वापस क्या लिखा है, पाथ आफ्टर सी एंड रीच टू डी, मतलब ऐसे चलते 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 इधर कहीं डी है, उस पॉइंट पे आ गया. ठीक है, ये था 4 मीटर, ये है 6 मीटर और इसके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर. तो बताओ कहानी में क्या क्या किधर किधर होगा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फॉर ईच पाथ. ईच पाथ मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस क्या रहा, 4, डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, 4. आपको लिख सकते हो कि ए बी का डिस्टेंस क्या है, ऐसे आप बना सकते हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसके बारे में, ए बी के बारे में डिस्कस करते हैं. डिस्टेंस क्या रहेगा, 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहा, 4 मीटर. देखो बी सी की बात करें तो बी सी अब इतना कितना ढूंढेंगे, ए बी सी करते हैं, ए बी सी से जब सी तक गया तो डिस्टेंस क्या रहा, 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, 10 मीटर, है ना, आप इस चीज़ को समझो. और वही अगर मैं बोलूँ कि बताओ ए बी, एक मिनट,
ए बी सी बी के बारे में बताओ, ए से बी के बी तक, बी से सी तक, सी से वापस बी आ जाए, तो डिस्टेंस कितना हो गया 16 मीटर, है ना। वापस से 6 मीटर बी सी वाला भी ऐड हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो बस इतना ही बचा ना, तो वो कितना हो गया 4 मीटर। और वही बोलो कि ए ए बी सी बी ए, अब क्या बोलोगे, डिस्टेंस वापस क्या हो गया 20 मीटर ना, 4 मीटर और ऐड हो जाएगा, कौन सा वाला, ए बी वाला, ओके। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अब 0 मीटर, वो 4 मीटर भी कम हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और वही बोलो कि अगर बताओ ए बी सी बी ए डी के बारे में, तो डिस्टेंस कितना हो गया, वापस 5 मीटर और ऐड करो 25 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, -5 मीटर, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया ना, तो -5 मीटर। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। देर आर एन स्टेप्स, देर आर एन स्टेप्स ईच ऑफ डायमेंशन एल बी एंड एच, एल बी एंड एच, इफ अ मैन क्लाइम्स एन स्टेप्स, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। देखिए सवाल ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ऐसे है एन स्टेप्स है, मतलब यहाँ से सपोज चलना कुछ स्टार्ट करता है, ऐसे स्टेप्स है, ऐसे, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि इसका लेंथ एल होता है, इसका लेंथ एच होता है, इसका लेंथ बी होता है। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक भी एल होगा, यहाँ से यहाँ तक भी एल होगा, है ना, और फिर ये भी एच हो जाएगा, ये फिर बी हो जाएगा, फिर ये एल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो डरना नहीं है। तो वापस से ये एच होगा, ये बी होगा, ये एल होगा, और ऐसे 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 बढ़ता रहेगा। कितने स्टेप्स हैं, एन स्टेप्स हैं। तो अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होगा, देखो ये 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 ऐसे ऐसे वो चढ़ रहा है, क्या ऐसे ही चढ़ रहा है ना, क्यों ऐसे उसको पूरा चढ़ाई करना पड़ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच प्लस बी प्लस एच प्लस बी प्लस एच प्लस बी प्लस एच, और ऐसे ऐसे स्टेप्स कितने हैं, एन है, तो एच भी एन बार ऐड होगा, बी भी एन बार ऐड होगा, है कि नहीं, बी भी एन बार ऐड होगा। तो एन आप कॉमन ले सकते हो, क्या बोल सकते हो, एच प्लस बी, ये डिस्टेंस हो गया। बहुत सिंपल, बस डरावना दिख रहा होगा आपको। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये पूरा हो जाएगा ना, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और वो कितना है, टोटल एल 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 कितने बार है, एन बार है, तो एन इंटू एल। या फिर अगर कोई बोले कि नहीं एल नहीं है, एल के टर्म में आंसर नहीं बोलना है, एच बी के टर्म में, तो क्या बोल सकते हैं, एन इंटू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री है, तो एल क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आपको समझ में आता होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल कराता हूँ। लिखो, क्वेश्चन है, अ पर्सन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ सेंटर्ड, एक मिनट, सेंटर्ड एट ओ ऑफ रेडियस 1 मीटर। He starts from A and reaches diametrically opposite
ऐसे क्वेश्चंस ही होते फिजिक्स में, पता है, बस आपको समझना होता है पॉइंट बी, पॉइंट बी तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। अब देखो सवाल क्या है, सवाल यह है कि एक आदमी ए से चलना स्टार्ट करता है और एक सर्कल में चलते रहता है, ऐसे सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सेंटर ओ है, ऐसे चलता गया और चलना ऐसे स्टार्ट किया, कुछ और कलर लेते हैं, ऐसे चलना स्टार्ट किया, ऐसे चलते चलते डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब इसके जस्ट इधर जो डायमीटर होगा ना वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, ए से चलना स्टार्ट किया, इसको ए बोल देते हैं, और इधर बी तक गया, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस तो ये हो गया ना, ये रेड कलर का जो हुआ, ये डॉटेड रेड वाला हटा दो तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए से बी तक गया तो, है कि नहीं, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब बात करते हैं कि डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो डिस्टेंस पहले मैं लिखता हूँ, या देखो मैं आपको क्या बताने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्कल का जो सेमी पेरीमीटर होगा, या सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस का ये जो पार्ट होगा, ये वाला रेड कलर का, वही अपना डिस्टेंस होगा, तो वो कितना होगा, टू पाई आर होता है वैसे सर्कल का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टू, टू टू खत्म हुआ, पाई आर होगा, और आर तो 1 मीटर दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था, हाँ 1 मीटर, तो आर तो 1 हो गया, तो पाई बचा, है कि नहीं, तो पाई मीटर डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इधर की तरफ है ना, तो वो कितना है, 2r, पर सवाल उठता है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो 2r में आपको देना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में वैसे दिया रहेगा कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ठीक है, तो इधर से चला था क्वेश्चन, एक्चुअली ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था, आप ये मत सोचना कि मैंने डायग्राम खुद से बताया, डायग्राम खुद से क्वेश्चन में गिवन था। तो क्या हो जाएगा, 2r होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2r मीन्स क्या होता है, 2 है ना, तो 2 मीटर अलोंग वेस्ट, है ना, ए से बी किधर होगा, वेस्ट ही होगा ना, तो 2r अलोंग वेस्ट, ठीक है, ये हो गए। आगे बढ़ते हैं, मैं अब बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि टाइम है अपने पास, अब आराम आराम से समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, घर में बैठे रहो, होमवर्क करते रहो, पढ़ाई करते रहो और सीखते रहो। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताता हूँ कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा मैं चलो लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म क्या होता है कि एक जैसा चलता रह जाए। अब जैसे स्कूल का आपको यूनिफॉर्म मिलता है, उसको यूनिफॉर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि डेली आपको वही पहनना है ना, डेली आपको वही पहनना है, तो उसको यूनिफॉर्म। तो उसी प्रकार बाकी नॉर्मली भी यूनिफॉर्म मतलब हो जाता है कि एक जैसा सब कुछ चलता रहे। मतलब अगर किसी हाईवे पे जाओ तो कार का स्पीड बोला जाता है कि अगर पूरा हाईवे पे, मतलब ऐसे जनरली एक ही स्पीड से अगर चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर के अगर स्पीड से चल रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। या फिर अगर उसको फिजिक्स के टर्म में या मैथमेटिकल टर्म में आपको बोलना पड़े, तो बोलेंगे कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। मीन्स अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। अब इसमें डिपेंड नहीं, अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि कितना छोटा टाइम लिया है, कितना बड़ा टाइम लिया। अगर 5 मिनट में इतना डिस्टेंस लिया, तो अगले 5 मिनट में भी उतना ही डिस्टेंस जाएगा, अगले 5 मिनट में उतना ही डिस्टेंस जाएगा, तब वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, है कि नहीं, तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है,
उसका उल्टा, कि टाइम इंटरवल में चेंज होता जा रहा है। कुछ कुछ टाइम में पहले 5 मिनट में इतना डिस्टेंस गया, 10 मीटर गया, अगले 5 मिनट में 50 मीटर चला गया, अगले 5 मिनट में थोड़ा स्पीड कम करना पड़ा, 4 मीटर ही गया। अब समझो इस चीज़ को, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है कि नहीं? ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब सब कुछ चलता रहे, तो जनरली यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या? नहीं होता है। कार का स्पीड चेंज करना पड़ता है, बाइक का स्पीड चेंज करना पड़ता है, साइकिल का स्पीड चेंज करना पड़ता है, घटाना बढ़ाना पड़ता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड मोशन जनरली होता ही नहीं है, है ना? अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो कभी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। अब ग्राफ में आपको देखना पड़े, देखा अगर बताऊँ मैं तो, ग्राफिकली ऐसे लिखा जा सकता है, एक मिनट, ग्राफिकली ऐसे लिखा जा सकता है उसे, अगर ग्राफ बनाना हो तो ऐसा ऐसा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। मैं बोलता हूँ कि इधर टाइम रहेगा, इधर क्या रहेगा? टाइम रहेगा। इधर क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा। अब धीरे धीरे ग्राफ बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ग्राफ अब यूनिफॉर्म मतलब होता है, आप खुद ही सोचो, एक स्ट्रेट लाइन जीरो से स्टार्ट किया और ऐसा ही चलता चला गया, ये यूनिफॉर्म है। देखो अगर देखोगे तो, अगर टाइम अगर बोलो ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो यूनिफॉर्म का ग्राफ ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि 1 में अगर देखो इतना दूर गया है, तो 2 में इतना दूर गया, 1 में अगर 5 मीटर, अगर इधर 5 था तो 2 में क्या हो गया? इधर 10 हो गया, है ना? 3 में इधर कितना हो गया? 15 हो गया। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है? तो ऐसा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का होगा, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ऐसा अगर हम लोगों को बोले नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो वो उल्टा सीधा हो जाएगा, है ना? अगर बोला जाए कि हाँ बढ़ते ही जा रहा है स्पीड, बढ़ते ही जा रहा है स्पीड, बढ़ते ही जा रहा है स्पीड, बढ़ते ही जा रहा है, तो फिर उसका ग्राफ कैसा होगा? देखो अब मैं नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का, और अगर नॉन यूनिफॉर्म का ड्रॉ करना हो जिसमें मैं ऐसे डेटा दे दूं कि 4.9 मीटर जाता है ना, इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और 14.7 मीटर जाता है सेकंड सेकंड, ऐसा ही होता है ना, बढ़ते जाता है सेकंड सेकंड में, इतना मीटर चला गया, और 24.5 मीटर जाता है इन थर्ड सेकंड। तो देखो पहले सेकंड में कम ही डिस्टेंस गया, दूसरे सेकंड में ज़्यादा चला गया, तीसरे सेकंड में उससे भी ज़्यादा चला गया, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा लास्ट में टेढ़ा हो गया, ऐसा हो जाएगा। देखो फर्स्ट में अगर 1 की बात करें तो इतना ही गया, सेकंड बात करें तो इतना चला गया। देखो ये जो लेंथ है ये इससे कम है ना, और अगर थर्ड की बात करें तो और भी ज़्यादा चला गया। अब देखो ये वाला और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये क्या था? डिस्टेंस था। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को दिखा रहे हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये किसका ग्राफ हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ये हो जाता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? तब सीधी सी बात है, बचपन से जो पढ़ते आ रहे थे हम लोग, ऐसे बचपन में क्वेश्चन आता था कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि बताओ फिर 2000 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वहाँ क्या बोलते थे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ये किसके लिए था? यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, जब स्पीड सेम ही चलता जा रहा है, ठीक है? तो स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं अब। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है? तो पहले मैं स्पीड के बारे में बताता हूँ कि बताओ इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो स्पीड का डेफिनेशन बोलेंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है? चलो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि और कुछ लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं बीच में थोड़ा सा बोल देता हूँ कि आप होमवर्क कीजिए, ठीक है, तो ही फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाद में रिग्रेट करोगे। तो इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, दी डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड, है ना? तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। और स्पीड को अगर एस बोलूँ, डिस्टेंस को डी बोलूँ, टाइम को टू ही बोलूँ, तो एस इक्वल्स टू डी बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे से हम लोग SI यूनिट भी निकाल सकते हैं स्पीड का। SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो। ऐसे ही देखते हैं, डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, डी बाई टी, तो डिवाइडेड बाई टी। ये क्या है, स्लैश जो बीच में दिया, ये वाला जो होता है, ये डिवाइडेड डिविजन ही तो होता है। तो मीटर में मापते हैं डिस्टेंस को, टाइम को सेकंड में, तो एम मीटर पर सेकंड। तो SI यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। और स्पीड क्योंकि डिस्टेंस को मापा है, किस डायरेक्शन में जा रहा था वो तो देखा ही नहीं, तो स्पीड क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अब स्पीड की बात करें तो क्या ये क्या था, ये जो मैंने लिखा स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, ये क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड था। ये क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड था, या फिर उसको ही कॉन्स्टेंट स्पीड भी कहते हैं। तो इसका आगे मैं एक और लिख देता हूँ, चलो, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, इसी का और टाइप हो सकता है कॉन्स्टेंट स्पीड। ये क्या होगा आप बताओ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर ऐसे थोड़ा सा और अच्छे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इट इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हो, कि अ कार मूव्स 10 मीटर इन एवरी सेकंड, सो इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म। हर सेकंड अगर 10 मीटर जा रहा है तो यूनिफॉर्म हो गया, अगर वो चेंज हो गया तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहेगा उसका। ऐसे ही होता है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होगा, आप खुद समझदार हो, खुद समझ सकते हो, जिसका यूनिफॉर्म नहीं होता है, वेरिएबल स्पीड, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो चलो इसको भी लिख देता हूँ, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। ठीक है, एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होता है एवरेज स्पीड, वो भी चलो बता देता हूँ मैं, एवरेज स्पीड। और ये कई बार पूछा जाता है, ये तो चलो नॉर्मल सी चीज़ थी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, कि बीच में क्या हो रहा है कहानी, कोई चीज़ पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, आप सीताराम बाल विद्यानिकेतन स्कूल पे खड़े हो, वहाँ से घर गए, ठीक है, आपका घर वहाँ से सपोज 5 किलोमीटर है, आपने बोला कि ऐसा तो फिक्स है ना कि एक ही स्पीड से चलते रहोगे, अगर छूटे 5 बजे, घर पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग गया, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज स्पीड का मतलब हो जाता है कि जितना दूर है आपका घर, मीन्स जितना डिस्टेंस है आपके घर तक का, वो डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा, सिंपल ख़त्म। जितना डिस्टेंस है उतना, जितना टाइम लगा उससे भाग दे दिया, वही एवरेज स्पीड हो जाता है कि नहीं। बीच में कहाँ आपने थोड़ा सा रोड से उतर के स्पीड कम किया, कहाँ आपको क्या पता थोड़ा सा रुकना पड़ गया, कहाँ क्या पता आपको ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एवरेज स्पीड को,
वो बस ये देखता है कि जितना डिस्टेंस है और कितना टाइम लगा, बस। ठीक है, तो चलो इसके बारे में लिख देता हूँ। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, वही मैंने बात किया, कभी रुकना पड़ गया, कभी ज़्यादा स्पीड बढ़ाना पड़ गया, तो वेरिएबल स्पीड इट इज़ दी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी ऑब्जेक्ट, दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय दी टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कवर करने में टोटल जितना टाइम लगा उससे भाग दे देंगे। तो ऐसे मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ, एवरेज एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। अब कई बार होता है कि बॉडी चलना स्टार्ट किया, ठीक है, बॉडी चलना, कोई भी मूव, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया, तो उस ऑब्जेक्ट का इस तरह से भी बोला जाता है कि चलना स्टार्ट किया, उसका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, और पहुंचा, जब जब पहुंचा उस टाइम में उसका स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अब एक्सेलरेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ, स्पीड चेंज होने का, जब जैसे डिस्टेंस चेंज होने को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, वैसे स्पीड अगर चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना मतलब सेम रेट से एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा केस होता है तो एवरेज स्पीड ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय टू। इन चीज़ों के बारे में बाद में देखेंगे, अभी उससे कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे स्पीड का एक और टाइप होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें मैं बाद में यूज़ करूँगा, ये डेफिनेशंस बाद में बहुत काम आने वाला है, इसीलिए अभी ही देख लो, ठीक है, ये डेफिनेशंस बाद में, अब तभी आपको पता नहीं होगा तो दिक्कत होगा। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, अब यार इंस्टेंट देखो लिखा होगा, इंस्टेंट मतलब किसी एक मोमेंट पे, है ना, किसी एक मोमेंट पे, जैसे आप स्कूल से निकले, बोला जाए कि निकले जब, और जब जैसे ही 5 मिनट हुआ, तो 5 मिनट के बाद आपका स्पीड क्या था, उस टाइम पे स्पीड क्या था, तो उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपका स्पीड होगा उसको ही इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है। अगर उसी का आपको डेफिनेशन जानना हो तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, चलो लिखते हैं अच्छे से। दी स्पीड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। कम पड़ गया ना जगह, थोड़ा सा और छोटा लिखते हैं, चलो, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, कई लोग बोलने वाले हैं, क्लास में होता तो तुरंत बोल देता, लेकिन यहाँ पे एक बार मिस्टेक हो जाती तो क्या कर सकते, इंस्टेंटेनियस। अरे यार, एक मिनट, आई एम सॉरी, हाँ इंस्टेंटेनियस, अब ठीक है, इंस्टेंटेनियस। अच्छा हाँ, इधर तो बाकी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ख़त्म। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, उससे पहले हमने एवरेज स्पीड देखा था उसके बारे में। एवरेज स्पीड में थोड़ी बातें, कुछ और केसेस होते हैं, कुछ और कहानी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आता है वेलोसिटी,
वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। अब वेलोसिटी जो स्पीड होता था डिस्टेंस के लिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए हो जाता है। तो अगर आपको वेलोसिटी का डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ भी वो सारी कहानी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी कहानी उसके बाद भी होगी। तो मैं अब वो सब चीज़ रिपीट करके नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ। सुनो, होमवर्क क्या है, वेलोसिटी का आपको डेफिनेशन लिखना है। वैसे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको लिखना है, एवरेज वेलोसिटी बताना है क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है क्या होगा। बस आपको स्पीड के जगह पे वेलोसिटी और डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट करना है। लिखने का ट्राई करना, अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं नेक्स्ट बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया कहानी डेफिनेशन की। अब थोड़ा सा दो चार और एग्जांपल थोड़ा देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट डे मैं एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ग्राफ्स पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए इसी तरह से, इसका नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलना, अच्छे से इसका नोट्स बनाना और उस चीज़ को पढ़ते रहना, यही सब आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में काम आने वाला है। ओके, टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए वीडियो पे जो भी आपको ठीक लगे। टिल देन।